जो जो अटल गुरगद्दी पे साहिबान सर्वसंत द्वारा दे दिया तन तन सहज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी गुरु साहिब दे गुरु सवारे सत्संग जनों आप विड़पाके हो सिख जीवन जांच कोर्स की इस अगली क्लास में एकत्र हुए हो गुरुद्वारा गुरु नानक मिशन सेवा सोसायटी वैरोना की समूह प्रबंधक कमेटी के सहयोग के उदम के सदका अज के ये विशेष दिवान सजाए गए हैं। अज के इन विचार आपको पता लगता सी संख्या की क्लास के एक विशा से साडा त्याग करन की सी ना गल त्याग करन दी पहला असी पहला व्याकरण की गल की सी हुण असी व्याकरण की गल करांगे ठीक है जी। ते अज दे विचार नाल सांझ पाउण तों पहला बड़े ही प्यार अते सहज रस भरी आवाज विच फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज दी विचार जी है मैं नहीं करनी तुसी करनी है क्योंकि तुहाडा सब्जेक्ट है गया इस करके मैं पहले ही इधर आ जाना। पुराने जमाने दे विच जदों जीवन साथी दी चोण सी किदां दी सी सानू सब नूं पता है कोई जान ना पछाण जिवें लागी ने कह दिता जां पिंड दे राजे ने कह दिता पांधे ने कह दिता सच वचन है जी ना मुंडा देखदे सी ना कुड़ी देखदे सी इदां ही सी ना। मेरे प्रोफेसर दे पिता जी दी ताई वो कहंदे कि मैनूं ते पता ही नहीं ब्याह की हुंदा सीगा वो छोटी सी ते मैनूं कहंदे कि तू परकरमा कर मैनूं की पता परकरमा किहनूं कहंदे ने मैं करां ना मैं रोवां वो कहण परकरमा कर मैं रोवां फिर मैनूं केला बड़ा पसंद सी घरदिआं ने की कीता केला दिखा दिखा के मैं परकरमा करियां मैं पिछे पिछे केला गए गए इन्ना परकरमा करियां मेरियां बस केला दिखा दिखा के मेरे परकरमा करियां एदा सी ब्याह खाने दे विच। मेरे प्रोफेसर दे पिता दा ताया मामा भी नाल ही बैठा सी कहिंदा तां मेरी सुन लो मैं कहिंदा दसो मामा जी तुसीं सुना दिओ कहिंदा भी मेरी वक्त भी इदां ही होया कि फोटो किसी होर दी दिखाई ब्याह किसी होर नाल ही करा दित्ता। जदों ये गल्लां सामने आईयां समाज दे विच कि फोटो किसी होर दी दिखाई ब्याह किसी होर नाल हो गया इहो जिहे लोक धोखेबाजियां विच करन लग गए फिर की होया एक विचार सामने आया कि पहला मुंडा दिखाओ पहला कुड़ी दिखाओ असीं देखांगे फिर आ करांगे लोक मॉडर्न होने शुरू हो गए। जिवें जिवें मॉडर्न होने शुरू होए लड़के लड़की नूं माता पिता देखण लग गए फिर देखदिआं देखदिआं कई बार की होना ब्याह हो जाना ब्याह तो बाद पता लगना नहीं कुड़ी तो गूंगी है मुंडा तो बोलता नहीं तोतला बोलता है फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिता भी गलबात करनी है गलबात करने लग गए लोग बोली हुई होर मॉडर्न हो गए जिवें जिवें होर मॉडर्न रहे उवें उवें फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिता कि लड़के लड़के की आपस गलबात भी करा दो फिर गलबात भी होने लग गई गलबात होंदिया 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 इतों तक समा आया कि एक समा के मापे पासे ही कर दिते धर्म पासे ही कर दिता गया बस जिहदी मर्जी जिधर नूं जिहदा मूंह उहने उधर नूं तुर के अपना जीवन साथी तलाश लिया इतों जन्म होया लव मैरिज का। मैं गलत हाँ कि ठीक हाँ सही गल है तक हाँ इतों प्रेम लिया जन्म होया तो की होया जिवें जिवें बंदे की भुख बधती चली जाती है भुख बधी जाती है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड इस तरह ही होया। हुण की सी जदों मैं हुण इह ना सोचो कि मैं हुण टीका लगावांगा लव मैरिज ते नहीं मैं तां गल कहिंदा हुणा कि इस जिंदगी विच जिन्हें प्यार नहीं कीता असल दे विच उहने जिंदगी नूं जीवे नहीं है माता पिता का दिल जितने तुम माता पिता को प्यार करना पड़ेगा भैन भरावान का दिल जितने तुम उन्होंने प्यार करना पड़ेगा
अपने दोस्तों मित्रों का दिल जितना है उतना प्यार करना पड़ेगा। अपने मित्र का पति पत्नी का दिल जितना है प्यार करना पड़ेगा। इतों तक रब न भी पाने ना तो की करना पड़ेगा। कोई जानता है तुम्हें गुरबाणी की साच कहो सुन ले वो सब है जिन प्रेम पियो ते नहीं प्राप्त पायो। रब न भी जिन्हें पढ़ा प्रेम से करना ही पड़ना है। सिक्खी विच प्रेम की कोई मनाही नहीं है, ना इस गल की मनाही है कि तुसी अपना जीवन साथी ना चुनो। चॉइस की कोई मनाही नहीं है, तुसी चॉइस करो, चूज करो, पर जरा सोच समझ के कि कल तुहानू जिंदगी च पछताना ना पै जाए। ऐसा काम भूले ना कीजे तां तां बाणी आउंदी ही है। हाँ इहो जिहा काम बिल्कुल ना करो जिहदे नाल बाद विच पछताना पै जाए। फिर की करना चाहिए, चॉइस करो। जिंदगी जी बाद नरक ना बन जाए, तलाक की नौबत ना आ जाए, जिंदगी सुख पैदा हो जाए, जिंदगी आनंद पैदा हो जाए। मैं कुछ कुछ सवाल से कुछ कुछ गल् नोट कीतिया ने, पर मैं थोड़े मुंह सुनिया चाहता। गृह से थोड़े जे नियम मैं तुम्हें समझा दिता। हम थोड़ी जी मैं तुम्हें सिख धर्म बारे दस दिया कि सिख धर्म के कंध कौन है, पति कौन है। सतगुरु पातशाह ने बाणी के वचन किया है, जेहे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो ते सजना, जिदी कृपा के नाल तुसी घर च सुखी बसते हो उस मालक का शुक्र जीवन में जरूर करो। घर में सुखी बसाना है, गृहस्थ को ग्रह को सुखी बसाना है, तो वो पति की एक क्वालिटी है, पत्नी की एक क्वालिटी है। गुरबाणी में पति कौन है, दूसरा पति की क्वालिटी की है। यह दुनिया बहुत खूबसूरत फुलों का बाग है। इस खूबसूरत फुलों के बाग के हर एक इंसान को हर आदमी को एक अधिकार है कि वह अपनी मन मर्जी का एक फुल छोड़ ले। मर्जी ने अधिकार दिता क्योंकि एक फुल जोड़ा मर्जी तोड़ ले तो खुली छुट्टी नहीं, पर फुल तोड़न तो बाद फिर सारी जिंदगी तक वह समर्पित होकर रहना पड़ेगा वफादार। उसका नाम है पति। क्या गलायो पूछ पर वेल ना जो है कंत तू तू ता कंत है। पत्नी की परिभाषा है, पत्नी की परिभाषा यह है कि हे पति जे तुम्हें प्यार करिए मैं सारे सुख त्याग दिया, मैनु सोने चांदी की जरूरत नहीं, मैनु ज्वेलरी की लोड़ नहीं, मैनु रेशमी कपड़िया की लोड़ नहीं, मैनू सोने कलंगा की टीवियां फ्रिजा की लोड़ नहीं, मैं सोफिया की लोड़ नहीं, मैं कारा कोठिया की जरूरत नहीं। जे तू मैं प्यार दवे तो मैं सारा कुछ वार दया, बदले के मैं रुखी रोटी खा के गुजारा कर लवा, तो जमीन ते सौ के गुजारा कर लाँगी। वार वारों अनिक डारों सुख प्रे सुहाग पलक रात कनिक मंदिर पाठ सेज सखी। कनिक कहते ने सोने नू, सोना चांदी हीरे मोती वड़ियां कोठियां कर, कनिक मंदिर पाठ सेज सखी मोहे नाही इनस्यों तात, मुक्त माल अनिक भोग बिन नाम नानक हाथ। फिर की चाहिए है, पत्नी कौन है, रूखो भोजन भूम सहन सखी प्रे संग सुख बिहात, रुखी रोटी मिल जाए मैं जमीन ते भी सौन नू तैयार हाँ। बस हे पति जे तू प्यार दवें तो मैं सारे सुख वार के रुखी रोटी भी खा लवांगी, जमीन ते भी सौ जाऊंगी। पत्नी यही है, ठीक है जी। इस तो अगे चलिए आप, मैं हुण एक सवाल सब नू करांगा कि तुसी जिंदगी विच सुख चाहते हो कि दुख चाहते हो। तुसी चाहते हो मेरी व्यवता जिंदगी च सुख होवे, हां जी। तुसी चाहते हो भी दुख होवे, नहीं। तुसी चाहते हो जिंदगी च सुख मिले, हां जी। कोई तुहाडे विचों चाहुंदा है हाथ खड़ा करो भी जिहड़ा ये चाहता है कि मेरी जिंदगी च दुख आवे, चाहते हो भी दुख आए, ठीक है। होर कोई चाहता है मेरी जिंदगी च दुख आए, व्यवता जिंदगी च दुख आए, ठीक है। तुसी देख लिया भी मैं जिन्ने भी क्वेश्चन सी सारे आंसर मेरे उल्ट ही निकले, चलो आप उल्ट कह दईए। पर गुरु तेग बहादुर पातशाह एक बचन कहते हैं, जतन बहुत
दुख को कियो ना। असी कोशिश करते हाँ साड़ी व्योता जिंदगी गृहस्थी जिंदगी विच सुख होवे, दुख कदी ना होवे। हर कोई चाहता है सुख किवें आएगा जिंदगी पति पत्नी की जिंदगी सुख किवें आएगा, तुस दस सकते हो? आपसी विचार कट्ठे होण, आपदा मतलब कि घर के जो विचार है मेल मिलाप कट्ठा मतलब कि गल्लां बातां दे विच मापियां दे विच जिम्मेवारी विच बच्चियां दी जिम्मेवारी विच पढ़ाई लिखाई विच अपने कम्मां काजां विच इस चीज़ का ठीक है विचार मिलते होण। ठीक है जी, एक पॉइंट साढ़े सामने आया कि पति पत्नी के विचार मिलते होण, ते जे ना मिलते हो रोज़ खड़का दड़का आउंदा रहे, रोज़ ही कलेश होवे, फिर जो प्यार दा भूत चार दिन च उतर जाता हुंदा है, फिर तू ओ नहीं रहा, तू बदल गया, इदां ही हुंदा ना। पहला तो बदल ही जाना अगले नूं, आ नहीं ठीक आ चेंज करो, आ ठीक नहीं आ चेंज करो, साल भर चेंज कर करके तुसी ओ नहीं रहे। हुण गल की है, पहला जो देखिया सी कुछ होर सी, व्याह तो बाद अजे साल नहीं लंघिया असली रूप सामने आने लग पिया। चलो इस तो अगली गल, हुण भैन जी ने कहा भी विचार ललदे होण, ते विचार पति पत्नी च रलाण वास्ते सब तो ज़्यादा जरूरी चीज़ काउंट करती है धर्म, करती कि नहीं? धर्म बहुत काउंट करती है, खासकर सिख बच्ची वास्ते। सिख रहत मर्यादा विच एक लफ्ज़ आउंदा है कि सिख पुत्री का विआह सिख नाल होवे, पढ़िया किसी ने कि नहीं? ये क्यों लिखिया, किसी ने सोचा कभी? क्योंकि होर धर्मां दे विच होर धर्मां दीआं बच्चियां होर धर्मां च वहीआं जाण, कोई फर्क नहीं पैंदा, इहदे विच भी कर्मकांड उहदे विच भी ने, चलो मिक्स हो जांदा कम, पर सिख धर्म च कर्मकांड कोई नहीं है। सिख बच्ची मैं हारी सारी हर कोई सिख नहीं हैगा, सिख होण दी इक परिभाषा है जिहदा लालन पालन पालन पोषण सिक्खी दे मुताबिक होया होवे, जिस सिख बच्ची दा पालन पोषण सिखी के मुताबिक होया हो, मैं उस सिख बत्ती बच्ची की गल कर रहा, वो फिर दूजे पासे जाके सुखी नहीं बच सकेगी। जिमें मैं हुण सवाल करना, तुहाडा विआह एक सैकंड के लिए मानो सिखी तो बाहर हो जाता है, वो लोग तुहानू कहिंदे ने कि तुसी गुरुद्वारे नहीं जाना, तुहाडे दिल ते की बीतेगी? चंगा लगेगा नहीं? तुहानू जे कहा जाए भी तुसी विआह तो बाद कड़ा नहीं पाना, की सोचोगे? मैं पावांगी उहदे मतलब इंसाफ मंगांगी, इंसाफ मंगांगी मैं पावांगी। ठीक है, तुहानू कहा जांदा है कि तुसी विआह तो बाद जपजी सदा पाठ नहीं करना, तुसी की सोचोगे? मैं फिर भी करूंगी। फिर भी करूंगी, ठीक है। तुहानू कहा जांदा है कि तुसी विआह तो बाद रोजे रखने ने, रखोगे रोजे? नहीं। तुहानू वर्त रखण नू कहा जांदा है? नहीं। तुहानू कहा जांदा है भी असीं मूर्ति स्थापित कीती है, इस मूर्ति नू तुसी मथे टेकणे ने? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੱਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉੱਧਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਚਣਗੇ ਕਾਹਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਕੜਾ ਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਧਰਮ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਡਰਨ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹੈ? ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ? ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕਲੇਸ਼ ਝਗੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ
कि तू तो मॉडर्न है पर तेरी माँ मॉडर्न है, तेरा पिता मॉडर्न है, तेरी दादी मॉडर्न है, नहीं ना पूछया। फिर की होंगे अगले घर जाके फिर छोटी छोटी नोक चोक लड़ाई झगड़े कलेश ये चलते ही रहेंगे ने, क्योंकि भैन जी ने कहा कि जे विचार मिलते होने सुख है, जे विचार ही मैच नहीं करे तो किवें। एक सवाल तुहानू मैं होर करदा, मैं उधर भी जावांगा चिंता ना करो, उन्होंने भी नहीं बचना मेरे तो। मैं एक सवाल करदा होर, जिहड़े हुण तुसीं व्याहे होए हो चलो सहुरे घर दे विच औरत दी विचारधारा किन्नी कु मन्नी जांदी है? बहुत मन्नी जांदी है जी, जिदा मतलब कि जिहड़ी चंगे घर दित्ती हुंदी उह अपने मतलब कि माँ प्यो तो सिख के आवे भी उन्हां दी सेवा करनी है, जी तो उदा समझे क्योंकि साढ़े जितों तक सानू पता भी साढ़े सहुरे साढ़े लिए हजे तक बहुत चंगे है, तो मतलब कि साढ़े उन्होंने नाल विचार भी मिलते हैं। मेरा सवाल यह है जनरल तौर पर, जो मानो किसी दूसरे धर्म के सिख बच्ची का विआह हो गया, सिख बच्ची की सिखी की विचारधारा दूजे घर के सिखी भी ना लाओ, जदों बच्ची विआह के सहुरे घर आती है वो कि गल मनी जाती है, वो विचारधारा वो फिलोसफी कि मनी जाती, कोई दस सकता? नहीं मनी जाती जी, बेशक सिख परिवार से चल जाओ, बेशक वे दूसरे परिवार में जो परिवार दी पिछलियाँ ट्रेडिशन्स वो हिसाब नहीं चलना पैंदा। हाँ जी, सहुरे परिवार में बच्ची की नवी आई हुई बच्ची की विचारधारा किन्नी कु मनी जाती है? हाँ जी, बहुत घट मनी जाती है जी। हाँ जी, हाँ जी, कि परिवार पर डिपेंड करता है, बाकी बहुत घट मानते हैं, लड़की नूं चेंज होना पैंदा, बाकी सारा परिवार चेंज नहीं होंदा। तुसी सारे इस गल नाल सहमत हो भी बहुत घट विचारधारा मनी जाती है, ज़्यादा नहीं, आम तौर पर लड़की नूं ही ढलना पैंदा है सहुरे परिवार मुताबक, मनदे हो सहमत हो इस गल नाल? चलो इत्थे तक गल आ गई है। इस तो अगली गल, कल नूं बच्चे भी होने ने, हुण बच्चा माँ की गल मनेगा या पिता की या दादे की या दादी की या नाने की या नाने की या चाचे की चाची की, परिवार दे विच एक पासे माँ है दूजे पासे पूरा सहुरा परिवार है, बच्चा किहड़े धर्म नूं फॉलो करेगा? माँ का धर्म फॉलो करेगा कि पिता का, दादी का, दादे का, चाचे का, ताए का, किहदा धर्म ज़्यादा फॉलो करेगा, दस सकते हो जी? हाँ जी, तुसीं दोने बन्ने रहूगा, फस गया बेचारा, खिचड़ी बन गई, किन्ने चौल किन्नी दाल पता ही नहीं। तुसी दसोंगे जी कि जदों घर विच बच्चा होएगा, बच्चा माँ दे धर्म नूं फॉलो करेगा जां पिता, एक पासे माँ है दूजे पासे पिता, दादा दादी चाचे ताए, किहदा धर्म फॉलो करेगा? इस तरह हैगी आ कि अगर माँ सोहनी शिक्षा बच्चे नूं दे रहे आ, बच्चे नूं यह सिखाया जा रहा कि आपां गुरद्वारा साहब जाणा जां आपां चंगे काम करने आ, धर्म अपना आया पहला जिहड़ा मास्टर आ, वाहिगुरू, ठीक है ठीक है, सही है सही, पहला जिहड़ा मास्टर है बच्चे का वो माँ आ, बेशक हाँ जी, बस माँ उन्हूं जे चाहे तो उन्हूं वो वधिया बना सकती है। हाँ जी, होर तुहाडे चों कोई जवाब दे सकदा है? हाँ जी, आ जाओ नेड़े, इधर अगे आ जाओ तुसीं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बच्चा जदों जमदा ही उदों माँ दे पेटो वो रोंदा ही कहिंदा माँ, लेकिन जिन्ना वो माँ कोल रहिंदा वो ज़्यादा माँ नाल ही प्यार करदा, पे इन्ना प्यार नहीं करदा जिन्नी माँ बच्चे नूं प्यार करदी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, हाँ जी, तुसीं कुछ कहना चाहो?
आपा टॉपिक तो बाहर जा रहे, मैनू लगता कि बच्चा माँ दे नाल वध प्यार करदा कि बाकियां नाल। असीं धर्म दे टॉपिक ते सीगे, मेरा ख्याल है कि बच्चे नाल पहली गल ते जे बच्चा दो धर्म फॉलो कर ही नहीं सकता वो धर्म तो बाहर हो जूगा, दोवां धर्मां नूं नहीं मनूगा। तो दूसरी गल है जिदा दादियां जिहड़ियां उह ज़्यादा बच्चे दे कोल होण, तो बच्चे नूं हर रोज़ अपने धर्म दीआं कहानियां सुणाए, तो बच्चा जिहड़ा उह जो दादे दादी दा धर्म है उहदे वल उहदा ज़्यादा झुकाव होगा। बिल्कुल जी, हुण एक जवाब मैं दवां। जिस बच्चे का भविख दुराहे ते आके खड़ा हो जाए, मैं आ धर्म फॉलो करा कि आ धर्म फॉलो करा, उहदा फ्यूचर की होएगा? उहदा ते बचपन तो ही फ्यूचर खराब हो गया, ना इधर जोगा रहा ना उधर जोगा रहा, यह होएगा कि नहीं? इस करके जदों अपने जीवन साथी की चोण करनी है, ये जरूर देख लियो धर्म। धर्म कोई माड़ा नहीं, मुस्लिम लड़के, हिंदू लड़के, सिख लड़के, ईसाई लड़के, जे गुण ने तो वह चंगे ने, जे गुण नहीं तो सारे माड़े ने। दूजी गल, बच्ची विआह तो बाद जो सहुरे घर जाती है उहदी विचारधारा घट मनी जाती है। आम तौर पर सारिया घर च नहीं, किसी के घर च मनी जा सकती है, पर सारिया च नहीं मनी जाती। सहुरे वाले अपनी ही विचारधारा मनाते ने। लड़का हो सकता कह दे लड़की नूं भी ठीक है तेरा धर्म ठीक है जो भी है, पर सस भी है, सहुरा है, देवर ने, जेठ है, ननाणा ने, जां दादा दादी ने, अगों एक पासे सारे आउण, फिर बंदा कित्थे जाए? एक सिचुएशन होर हो सकती, फिर वह की हुंदी है? जदों खड़का दड़का शुरू हुंदा है, मानो आदमी चंगा है, वह कहिंदा आपां घर ही लग लै के रह लैणा है, हुंदा कि नहीं? इदां आपां घर ही लग लै लैणा है। हुण घर अलग लै लिया तो परिवार जिहड़े ने इकल्ले नहीं चल सकते समाज तो बिना। थोड़ी जी आवाज़ वधा दिओ, घट है, मैं उच्ची बोलना पै रहा। हुण जिहड़े ने परिवार, जे समाज ते बाकी परिवारक मैंबर साथ ना देण, पति पत्नी इकल्ले दुनिया विच नहीं रह सकते, इकल्ले नहीं रह सकते, उन्होंने समाज की लोड़ है। कल नूं कोई इहो जी सिचुएशन आ जाती है, दुख सुख आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती जिंदगी दे विच, फिर वह की करनगे? वह इकल्ले ही ने, वह घर अलग लै लिया उन्होंने। हुण धी जिहड़ी उह पेक्यां तों नहीं मदद लै सकती, पुत्र अपने परिवार तों नहीं लै सकता, क्योंकि धी पेके पहले ही कहिंदे ने वी साडे तों बागी होके विआह कराया, तो हुण असीं तेरी गल क्यों मनीए? तो सहुरे वाले वह कहिंदे ने तूं साडा मुंडा पुट लिया, असीं हुण तेरी मदद क्यों करिए? फिर की हुंदा? सौ वे जिया अपना की आ, फिर अपने कीतों नूं सहारा। खैर, ये तो सी धर्म की गल। हुण इस तो अगला चैप्टर बिल्कुल नाल ही, मैं एक तुहानूं सवाल करदा कि साडियां बच्चियां सचमुच सिख लड़के नूं जिहदे केस, दाढ़ी, दस्तार आदिक ने पसंद नहीं करदियां, इस गल विच सच्चाई है कि नहीं? कि सिख बच्चियां केस, दाढ़ी वाले, दस्तारा वाले लड़कियां नूं पसंद नहीं करदियां, कि ये गल झूठ है कि सच है, दसोगे? मतलब बंदे दा करैक्टर वेखना चाहिदा आ, जिद्दां बाहरों इंपोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। जे कोई दस्तारधारी जां केस दाढ़ी वाला उहदा करैक्टर चंगा होवे फिर ठीक है? मैं जनरल सवाल कर रहा, तुसीं अपनी गल ना करो, कि अज सिख बच्चियां केस दाढ़ी वाले नूं पसंद नहीं करदियां, ये गल विच सच्चाई है कि नहीं? ठीक है जी, और ये गल बिल्कुल सच्चाई है। हुण मैं सवाल करांगा भी उन्हां नूं केस दाढ़ी वाले क्यों नहीं चंगे लगते, दस सकते हो कारण की है? दसो, इन्हां शिकायतां लाओ इन्हां दीआं। क्योंकि ये कारण ये आ कि पहलों लड़की के माँ बापू जी ज भरा उन्हें सिख होने चाहिए आ, ता कि उन्हों का पहला ही विचार ये हो मैं सिख धर्म फॉलो कर दी हूँ, तो इस करके उन्होंने सोसायटी इदा नहीं मिलेगी, आले दुआले सारे सिख आ, जो प्यो ज भरा कटिंग वाले ऑटोमैटिक इदा बन जाता है कि वह भी उदा दे चाहते हैं। चलो, एक आ जवाब बहुत वधिया आ। दूजा मैं एक होर सवाल करदा, जिस बच्ची का लालन पालन पोषण होया ही सिखी परिवार च है, घरे गुरबाणी पाठ सारे अमृतधारी केसाधारी, वह बच्ची भी केसधारी नूं जां पग वाले नूं पसंद नहीं करती,
की कारण है सिख लड़कियां दे विच कोई खराबी है कोई उन्हां विच नुक्स है दस सकदे हो पता नहीं पसंद करदे क्योंकि वो क्लीन शेव नूं ज़्यादा पसंद करदे आ वो क्लीन शेव नूं पसंद करदियां ने क्यों करदियां ने दस सकदे हो जी सिख लड़कियां च की कमी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੀ ਆ ਮਾਡਰਨ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਦੇ ਆ ਆ ਆਇਆ ਜਵਾਬ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਨੂੰ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਲੜਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਮਿਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਉਹ ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਮਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਉਂ ਜੇ ਕੈਟ ਘਰ ਆਈ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਉਹ ਨੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ ਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੰਗਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 2% ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 96% ਫਿਰ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ ਹੈ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਕਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਰੋ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਰੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਹੋਵੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਣ ਲੱਭੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੀਰੋ ਦੇਖਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਗੁਣ ਲੱਭਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਵਰਗੀ ਵੀਰਤਾ ਹੋਵੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਵਰਗੀ ਅਸੀਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀਰੋ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਡਰਨ ਮਾਡਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਡਰਨ ਬਣ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿਕਨਾ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਲਵਸ ਚਿਕਨਾ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੀ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਕੀ ਇਹ ਦੋ ਆਪੋ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਲੜਕਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਬਾਹਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਬਾਹਰੀ ਸੌਂਪਣ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਅਸਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅਸਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਸੱਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਆਈਬ੍ਰੋ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅਸਲੀ ਸੋਹਪਣ ਅਸਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸਾਦਗੀ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਏ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਇਹ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਦਸੂਰਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਕਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਦਸੂਰਤੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਬਦਸੂਰਤ ਹੈ? ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਲੜਕੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਗੋਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਸੂਰਤ ਹੈ? ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਗੋਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਹੋਣ, ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਐਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੋਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰੰਗ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਹੋਣ, ਮੁਹਾਸੇ ਹੋਣ, ਪਿੰਪਲਸ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਮਨ ਐਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੈ ਸੋਹਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਕੰਨ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਅੱਖਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੰਦ ਚੰਗੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਐਂ ਨੁਕੀਲੇ ਭੂਤਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਤ ਸਦਾ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, 5-10 ਸਾਲ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਸੂਰਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇਖੋ, ਆਤਮਾ ਦੇਖੋ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸੁਹੱਪਣ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨੇ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਟਿਕਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਐਂ ਚਿਕਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਈ ਵੀ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗਾਣੇ, ਕੀੜੇ ਪੈਣਗੇ ਮਰੇਂਗੀ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਝੂਠਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਉਹ।
जिथे प्यार होवे उथे दिलों भला मंगया जांदा है, ते प्यार करन वाले कई बार दसदे भी नहीं, जिंदगी भरदे ही लंघ जांदी है। दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चिया, सच्चे वो जिहड़े दिलों प्यार करदे ने, कई बार कह भी नहीं पाते सारी जिंदगी। तो जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे वो कच्चे ने। हाँ तो लाना मैं इधर नू, हाँ जी इधर ही चल रही गलबात मेरी। चलो मैं हूँ अगले पॉइंट ते आवां। इस सच्ची गल है कि साड़ियां बच्चियां जड़ियां ने केसाधारी लड़कियां नू प्यार नहीं करदियां, चंगा नहीं समझदियां, उन्हां नू दस्तारां पग्गां दाड़ियां केस चंगे नहीं लगते। पर इहदे पिछे कुछ कारण ने, मैं कारण लिख के आया बहुत सारे, तुहाडे च एक भी नहीं मिलिया। कि सिख लड़कियां च कोई फॉल्ट ने, कारण हैगे ने, दस सकदा कोई की कारण ने? हाँ जी, वो सोचदियाँ पे जे असी भी सानू सिख वाणू कहणगे कि जे असी ब्यूटी पार्लर जाना आ, थ्रैडिंग करवानी आ, आईब्रो करवानी आ, पे सानू उन्होंने इस पास जाने रोकना आ, इस करके सानू भी अपने वर्गा क्लीन शेप चाहिए लड़का, ता करके भी बहुता पसंद नहीं कर दिया सरदार सानू। कोई किसी ना किसी पास का रो कहणगे पे तुसी इत्थे नहीं जाना, सानू लोग की कहणगे। सिख लड़कियां जिदा मतलब कि एक दो सिख है, मन लो एक सिख दे विच चंगी परिभाषा है, गुण आ, कीर्तन करता है, बाणी नाल जुड़िया, उहदे संस्कार चंगे आ, उही उहदे नाल दा दूजा सिख है, वह झूठ भी बोलता है, बाहर नशे पत्ते भी करता है, वह मतलब कि कुड़ी सही रस्ता फिर चुन नहीं सकती, क्योंकि सिख पग बन के तुहानूं पता अजकल की करते, कई सिख पग बन के की करते, नशे करते ने तुहाडे सामने है ना, शराब शुरू का मसला इधर ही है, मैंने इधर जाना पैना। हाँ जी, थोड़े चो सच केड़ा केड़ा बोलता, हाथ खड़े करो, कोई नहीं। मैं कहा केड़ा केड़ा बोलता सच, फिर नहीं मैं पूछना, मैं पूछना सी थोड़े चो शराब कौन कौन पींदा, फिर तुझे दसना ही नहीं सच, फिर रहन दो। देखो जो साढ़े विआह हुंदे ने, विआह वेले असी लिस्ट बनाने समान की, सब तो उत्ते पता केड़ी चीज़ लिखी हुंदी है, वी पेटियां शराब, इतों शुरू होंगी साड़ी लिस्ट, होंगी कि नहीं होंगी? होर पियो शराबा, फिर तो तुसी कहनो सानू कुड़ियां नहीं मिलदियां जी सिख, फॉल्ट तो तुहाडा सामने आया ना, होर इन्हां दा फॉल्ट दसो कोई, मैनू की फॉल्ट है इन्हां दे विच, कोई दस सकदा? हाँ जी, हाँ जी, सिख लड़कियां च की कमियां ने? एजुकेटेड बहुत कम है, पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगते मेरे को, ऐसा लगता है। पढ़ना तुसी है, माइक मनु पढ़ाया होया, ना पढ़ो फिर लभदे फिरोंगे। और ये गल सच है, सिख लड़के पढ़ाई नहीं करते, बहुत ही एजुकेटेड नहीं होंगे, ना एजुकेटड होंगे ने, ना उन्हें फिर उन्होंने को वैल बिहेव होंगे, क्योंकि पढ़े लिखे ही नहीं, एटीकेट्स कितों आने गए उन्होंने, उन्हों का बिहेव बहुत भद्दा होंगे। एक तो पढ़ाई घट, दूजा नशे, दो कारण तुहाडे आए ने सामने, तीजा जो तो पढ़ाई घट होएगी फिर गालां भी होणगियां, क्योंकि बोलन का ढंग नहीं हैगा, नाले हसी जाणगे नाले गालां कढ़ी जाणगे, नाले अपने आप को कढ़ी जाणगे गालां, जिहदे नाल गल कर रहे ने उन्हें भी कढ़ी जाणगे, वह भी हसी जांदा है, जिहदी तीजी की गल चलती है उन्हें भी कढ़ी जाणगे, वह भी हसी जांदा है। मैं सचमुच देखिया गैर सिख जिहड़े लड़के ने बड़े सॉफ्ट स्पीकर ने, बहुत मिठा बोलते ने, बड़े प्यार नाल गल करते ने। साडे सिख बच्चे जिहड़े ने, खासकर जिन्हां दे कोल एजुकेशन नहीं है, उन्हां दी बोलबाणी इन्नी रुखी, इन्नी भद्दी, पहली गल है वे कोठे ते चढ़ के बोलते ने, पता है ना कोठे चढ़ के बोलना की हुंदा है, मतलब उच्ची बोलते ने, हॉर्न बने हुए ने बड़े बड़े, इन्नी उच्ची बोलणगे। दूजा उन्हां दी गालां आम गालां नहीं हुंदियां, लक तो थले शुरू हुंदियां ने गालां, और ये सच है, सच है कि झूठ है? ये हुण कौन लड़की चाहेगी मेरा घर वाला
घट पढ़िया लिखिया हो, गालां कढ़दा हो, नशे करता हो, चीख चीख के बोलता हो, टुट टुट के पैंदा हो, कोई चाहेगी बच्ची? बच्चियां का दोष नहीं मैनूं फिर इस थां ते आके लगता, इस थां ते साडे सिख लड़कियां विच दोष सानूं नज़र आना शुरू हो जाता है। अजे तो मैं तुहाडी गल कर रहा, फिर तुहाडे कोल आवांगा, तुसीं भी दस्सिओ, सोच के रखो, तुहानूं घट मिलणगे दोष पर, क्योंकि साडे च ज़्यादा ने। कोई होर कारण दस सकदा? एजुकेशन सचमुच बहुत घट है, असी पढ़ाई तो बहुत चलते हाँ, साड़ी पढ़ाई नाल बनती नहीं है, आगरा वार्ता वांगू ठप हो जाती है, ठीक है ना। इस करके पढ़ो, वध तो वध एजुकेटेड होवो, पढ़ाई करो, अपनी बोल बाणी मिठी करो, सॉफ्ट स्पीकर बनो, अट्रैक्टिव होवो, तुहाडे नाल तां ही चंगे ने बाबा जी। देख लो दुनिया पिछे पिछे तुर पी, इन्हां दे दुनिया नूं पिछे ला लिया। असी की कर रहे हैं? असी नौजवान कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो बजुर्ग सारा कुछ कर गए 100-100 सालों के, अजे भी भज्जे फिरते हैं। वो होर कोई रीजन, कोई कारण दस सकते हैं सिख लड़कियों का? हाँ जी, अपने आम तौर पर इंडियन कम्यूनिटी में जोड़ा वो लालच भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका, इस करके भी मतलब कई बार बच्चे जोड़े वो लालच के अधीन हो के भी एक दूजे के नाल विआह करवाते हैं। प्रॉपर्टी का लालच, इकनोमिकली ज़्यादा लालच होंदा आम तौर पर, ईगो फैक्टर बहुत होना, च रिस्पैक्ट नहीं करते, मतलब कहणगे कि पति देव चाहते हैं कि साड़ी जिहड़ी पत्नी ओह ते सानू तुसी तुसी करके मतलब सारा दिन फुलियां पाती रहे, तो पर असी उन्हूं तू तो बिना बुला नहीं सकते, मतलब कि साड़ी हैंकड़ जिहड़ी आ। वैसे मेरे सिंह साहब हमेशा मैनू रिस्पैक्ट ना बुलाते हैं, पर मोस्टली मैं देखिया मेरे फ्रेंड सर्कल्स के भी इदा ही आ कि लेडीज़ तुसी ओ आए सी ओ गए सी, पर जड़े ने सिंह ने वह बिल्कुल भी रिस्पैक्ट नहीं देंदे हैगे लेडीज़ नू। इन्हां दी गल सच है जी? सहमत तो हाथ खड़े करो जिहड़े सहमत ने। तुसी नहीं सहमत? होर कोई सहमत ने? ठीक है, देखो रिस्पैक्ट बहुत जरूरी है और ये गल सच हैगी है। साडे विच पति नूं वड्डा समझा जांदा है, वह तू कह के बुला दिंदा है, पत्नी नूं छोटा समझा जांदा है, वह तुसी कह के बुलांदी है। गड्डी दे पहिए इत्थे ही वड्डे छोटे हो गए, कार दे एक पासे दे पहिए वड्डे होण, दूसरे पासे दे पहिए छोटे होण, ते कार सिद्धा जाएगी या गोल चक्कर च घूमती रहेगी? कितें नहीं जाएगी, गड्डी दायरे च घूमती रहेगी। जिथे सिख धर्म च पति पत्नी बराबर ने, उत्थे पहिए जो ग्रस्त दे बराबर होणगे तां तुसी किसे मंजिल ते पहुँचोगे, डेस्टिनेशन ते पहुँचोगे। एक पासे ते असीं कहिंदे आ सो क्यों मंदा आखीऐ जित जम्मै राजान, दूजा असीं बोलन दा साडा ढंग रिस्पैक्टफुल नहीं है। होर की कारण दस सकदा? हुण इधर चल जावां। अच्छा, हैगा कारण, चाल चलन ठीक नहीं हुंदा, चाल चलन ठीक नहीं हुंदा, चाल चलन ठीक नहीं हुंदा। सहमत इस गल नाल? होर कोई कारण? लड़ाइयां बहुत करदे ने। हाँ जी, होर कोई कारण? जिद्दां कई सरदार मैं देखे आ, उदां तां अपने आप नूं सिंघ सजाउंदे आ, पर जिद्दां क्लीन शेवन आ उह अपने आप नूं सवार के भी रखदे आ। कई सिख देखिया मैं अपने आप नूं सवार के नहीं रखदे, झल्ले जिहे बण के रहिंदे आ। इह वी तां इफेक्ट पैंदा ही आ कुड़ियां ते। फिर इह वी गल सही हैगी है। हुण देखो तुसी किसे मिनिस्टर नूं मिलण जाणा होवे, किसी मिनिस्टर नूं मिलन जाना होवे, तैयार होके जाने हो कि नहीं जाने हो ना? ते तिन्ना लोकां दे पातशाह दे घर तुसी आए हो, किहड़े किहड़े पग्गा बन के आए ने? 2-4% ही होणगे, इत्थे नहीं तैयार होके आए तुसी। मैं गलत हाँ? मंत्री संतरी नूं मिलना होवे असीं ऐं टौर कढ़ के जाने हाँ, जदों तिन्ना लोकां दे पातशाह दे घर गुरु दरबार जाणा है उदों असीं टौर नहीं कढ़दे। दूजा
केस दाड़े उन्हां नूं संभाल के संवार के रखो, सोहणे लगण उह। तीजा, तुहाडियां दस्तारां पग्गां सोहणियां बनियां होण, तुहाडे तुहाडियां पग्गां खूबसूरत होणियां चाहीदियां ने, देखण नूं तां ही अट्रैक्टिव लगोंगे ना। जस्टिस मोता सिंह इंग्लैंड दे, इस तरह की पग देखो खूबसूरत लगती है, जरूरी नहीं यही बननी है, दुमाले बहुत खूबसूरत लगते हैं, गोल दस्तारा बड़े वधिया तरीके नाल बनिया जा सकदियां ने, बहुती वड्डी नहीं बन सकते, छोटी बन लो पर सोहने बन के रवो। जे तुसी सचमुच सुंदर बन के रहना है, जिथे अंदर की खूबसूरती चाहिए है उत्थे बाहर की खूबसूरती की भी लोड़ पै जाती है। ये दोनों चीज़ां जरूरी ने, बाहरों सिख ने साफ सुथरा सोहना बन के रहना है। कंगा दोनों वक्त कर पाग चुनै कर बांध, ही लिखिया उत्थे, चुन चुन के बन्ने लड़, उवें ना लपेट लवे मुडासा जां मार लवे फिर तो लगना जिवें कोई भंग पी के आया हुंदा। पाग चुनै कर बांध, ही दातन नीत करे ना दुख पावे लाल जी, इहनी मूँह च बो आंदी होवे। हुण मैं तुहाडे वल आना जी, सिख बच्चियां तुहानू क्यों नहीं पसंद करदियां, उन्हां च कोई फॉल्ट है कि नहीं, दस सकदे हो? फॉल्ट तां मैं तुहानू घट लभणे आ ओही जिदा पहला ईगो की गल चलती सी, ईगो जिदा सिर्फ मुंडे च नहीं हो, कुड़िया च भी हो सकती है, क्योंकि आमदनी तौर पर जो ह्यूमन होता ईगो हरेक पास हो सकता है। बाकी मेरे हिसाब न एक तो जिदा कुड़िया माँ के कोल रहिंदियां तो उन्हां दी एडुकेशन थोड़ी जी ज़्यादा होंदी आ मुंडे नालों, क्योंकि मुंडे समझ लो जिंदा मुंडे नू थोड़ी जी फ्री छड़दे ना, तो फिर जिदा घर रहना जो कुड़ी नू एडुकेशन आ जाती है, बाकी आप च डिपेंड होंदा परिवार च किदां ते पेरेंट्स होण उस हिसाब नाल। देखो वीर जी ने बहुत वधिया पॉइंट दिता, मैं खुशी हुई है कि लड़कियां नू फ्री छड्या जांदा है, लड़का राती 12 बजे आवे कोई गल नहीं, लड़की 9 बजे घर चाहीदी है 10 बजे, ये दोहरा वितकरा, जां ते उन्हूं भी कहो भी 12 बजे आ जाया करे कोई गल नहीं, जां फिर दोनों नू कहा जाए भी दोनों 10 बजे घरे होण। जदों सचमुच फ्री छड दिता जांदा है, रात नू खास करके संगत हुंदी नशियां वालियां दी, जुआ खेडन वालियां दी, विकार करन वालियां दी, की होएगा उस संगत दे विचों बुरे पासे जांदे जांदे फस जाणगे। ठीक है जी, मैं तुहानूं अपना फोटो दसण नूं नहीं सी कहा, हाँ जी तुसीं दसोंगे जी कुछ? कुड़ियां चलो पता नहीं पता। हाँ जी भाई साहब तुसी सियाने हो, तुसी दसोंगे भी साड़ी सिख बच्चियां च की फॉल्ट ने अजकल, वो क्यों नहीं सिख लड़के पसंद करदी? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। सिख बच्चियां च फॉल्ट ते मैं नहीं बहुते कह सकदा, जिस घर विच सवेर तो नितने बाणी बच्चियां नाल है कीती जावे, बच्चियां दे नाल अपने किया जाए, जो बाहर बच्चा स्कूल में जाता मुझे घर आ गया फिर बच्चे दे नाल अपने सिख धर्म माँ बाप बच्चे ने जोड़न उहदे नाल गुरबाणी पढ़न बाणी जोड़न तो बाद विच नहीं होगा, तो जे घर विच माँ बाप ही जे माँ बाप ही बच्चों सामने टैलीविजन देखूगा तो बच्चों तो फिर इफेक्ट पैना ही। ठीक है, साड़ियां सिख बच्चियां च की फॉल्ट की कमियां ने दस सकदे हो? ये तार बहुत छोटी लगती है मैनू, एक तो तार च फॉल्ट है नहीं काफ़ी वड्डी है। हाँ जी दस सकते हो जी? नहीं पता नहीं मैंने जी, तुसी दसोंगे जी? नहीं पता नहीं। ठीक है, हाँ जी तुसी दस सकते हो साड़ी सिख लड़कियां च की कमियां ने अजकल? लड़कियां च कमी तो नहीं कह सकते, पर अजकल अपनी इंडियन कम्यूनिटी च एक घर च हमेशा ही होंदा कि जिहड़े जेंट्स हुंदे आ उही सिर्फ कमाउण लई ज़्यादा नसैसरी उही है कि बंदे ही कमाउण,
ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਜਵਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ। ਜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੂਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੀ ਸੋਚਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਮਾਈ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਲਣ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਰ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨੋ ਸਿੱਖ ਲੜਕੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ਜੀ ਬੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੂਰੀਆ ਜੀ ਉੱਠੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੋਰਸ ਕਰਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਯੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੂਰੀਆ ਉੱਠੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਉਹ ਜੀ ਬੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਹੱਕ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, 4 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਉਹਦੀ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਿਮ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਬਸ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯੂਨੋ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਠੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਬਸ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਵੱਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਮੀਰ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਕ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਫਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਰਦੇ। ਘਰ ਜਦੋਂ ਬਣਨਗੇ, ਰੂਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ ਸਖੀ ਪ੍ਰੇ ਸੰਗ ਸੁਖ ਵਿਹਾਤ, ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਗੁਣ ਮਿਲਣ, ਮੈਂ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੌਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਘਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਏਕ ਜੋਤ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ। ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਦਾਮ ਹਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਕਿਥਾਉਂ ਜਾਈ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਚੰਗੀ ਤਗੜੀ ਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ।
हाँ ये सोच ठीक है भी किहो जिहा बच्चा जन्म देना पहला सोच लईए, पर यह सोच ठीक नहीं भी चार पैसे आएंगे ते तां, क्योंकि बच्चे नूं तुसीं पैसे खवाने ने कि गुण देने ने। आई चलाई तो चलती रहती हुंदी है, वह तो कभी बंदा कोई भुखा सौंदा नहीं है, आई चलाई चलती ही रहती है, पर जो साडा निशाना माया हो जाएगी पदार्थ हो जाएंगे उदों असीं धोखा खा जावांगे। फिर की होएगा, पति की भी दौड़ है पत्नी की भी दौड़ है, दोनों दौड़े फिरते ने, कट्ठे बह जाते हैं, कट्ठे रोटी खा लेंगे ने, कट्ठे घूम फिर आते हैं, पर अंदरों अंदरों अलग अलग ने। मैं ऐसे पति पत्नी देखे ने जिहड़े इकट्ठे गुरुद्वारे आ रहे ने, इकट्ठे मत्था टेकते ने, इकट्ठे कीर्तन सुनते ने, इकट्ठे सेवा करते ने, पर उन्होंने आपो अपने बैंक अकाउंट एक दूजे तो लुको के रखे हुए ने, कहते पैसे मंग ना लवे। होंदा इदां कई बार एक दूजे तो लुको रखिया होंदा, फिर वह पति पत्नी नहीं। मैं कहना सतगुरु पातशाह जी असी आए हाँ पति पत्नी, मैं अमृतपाल सिंह सतनाम कौर, मैं कहा मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दवा कि भूल ना जाओ, मैनू थोड़ा अपने बारे भी दस दवा। सतगुरु पातशाह कहन लगे चल झूठा मैं नहीं मानता। हैं सतगुरु क्यों, थोड़े सामने तो असी अरदास की सी, इत्थे आनंद कारज होए सी, इत्थे सारा कुछ होया सी, तुसी भुल गए। देखो मैं नहीं भुलिया, सतगुरु कहन लगे तो झूठ है तुसी पति पत्नी नहीं हो। मैं कहना सतगुरु क्यों नहीं पति पत्नी, देखो मैं सोफे पर बैठा हाँ, मेरी घरवाली नाल सोफे पर बैठी है, होर कोई दूजी थोड़े बह जाएगी। सतगुरु फिर एक गल कहते भी इकट्ठे बैठने पति पत्नी नहीं होंगे, इकट्ठे बैठ जाते हैं, फिल्म देख आते हैं, गार्डन घूम आते हैं, रेस्टोरेंट खाना खा आते हैं, कि वह पति पत्नी ने? जे एक दूजे के प्रति प्यार ही नहीं है फिर नहीं। धन फिर यह ना आखिए बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति, धन फिर कहीं है सोए, जिथे जिंद एक है शरीर दो ने, वह है पति ते पत्नी। इस करके ना सोचा करो चार पैसे होणगे तो ग्रस्त सुखी होएगा, प्यार होएगा तो सुखी होएगा, सहनशीलता होएगी एक दूजे के प्रति, कंप्रोमाइज़ की भावना होएगी एक दूजे प्रति, त्याग होएगा एक दूजे के प्रति, निम्रता के मिठे बोल होणगे एक दूजे प्रति, गुणा की भावना होएगी, फिर ही वह परिवार वस सकता है। मैं गलत हाँ, ठीक है ना? ये गल एक लाइन मैं होर लिखी सी, मैं याद नहीं, खैर चलो। कहण तो भाव यह है कि जीवन दे विच साथी जो चुनना, असी कुछ गल्लां विचारियां ने, वो ये गल्लां विचारियां ने, एक तो धर्म के विचार जरूर रलदे होण। मन लो पति पत्नी डिसाइड कर लैंदे ने आपो अपने धर्म नूं मन्नांगे, किसी नूं टोकांगे नहीं, फिर सस सोहरा सोहरे परिवार के जीव टोक सकते हैं, हो सकता है अलग रहन लग जाण, पर अगो बच्चों के उपर भी प्रभाव पएगा, वह किनू फॉलो करनगे। इस करके धर्म जरूर सोच लियो कि सचमुच साडे विचार मैच करते हैं, खासकर सिख बच्ची जिहदा पालन पोषण सिखी मुताबक होया होवे, वह फिर वर्त नहीं रख सकेगी, वह फिर मूर्तियां मथे नहीं टेक सकेगी, वह फिर पिपलां ते दरख्तां पशुआं नू नक नहीं रगड़ सकेगी, वह सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब अगे ही मथा टेकेगी, फिर उहदी जिंदगी औखी हो जाएगी। दूजी गल, सिख बच्ची जिहड़ी है वह गुणा की पछाण करे, अंदर की सुंदरता की पछाण करे, ना कि बाहरलियां चीज़ां की। सिख लड़के वो बाहरली सुंदरता के पिछे जाने की बजाय वह गुणा की पछाण करन, वह निम्रता देखण, अंदर की भावना देखण, निर्मलता देखण, अंदर की सोच देखण। बाहरों काली भी होगी चल जाएगी, बाहरों दाग धब्बे चेहरे पर होणगे चल जाएंगे, पर अंदरों साफ तो पवित्र होनी चाहिए है। तीसरी गल असी ये विचारी सी कि जदों साडे सिख बच्चे नशे करते हैं, जुआ खेडते हैं, गालां कढ़दे ने, सॉफ्ट स्पीकर नहीं है, उदों भी वह फिर साड़ियां बच्चियां नूं चंगे नहीं लगते, क्योंकि दूजे देश धर्म के लोग जां लड़के जड़े ने बड़े सॉफ्ट स्पीकर ने, बड़े प्यार नाल मिठा बोलते हैं, और कई धर्मां दे विच ते दूजे दी धर्म की लड़की नूं लै के आना पुन समझा जाता है, कुछ धर्मां विच पुन समझा जाता है। इंग्लैंड की पुलिस की रिपोर्ट है कि उत्थे बकायदा जिहड़ा सिख बच्ची नाल विआह करके लियावे दूजे धर्म का, उहनूं 10,000 pound इनाम दिंदे ने लोग, और रिपोर्ट है पुलिस की, लंडन पुलिस की रिपोर्ट है। फिर वह की करते ने 10,000 pound पाते हैं जेब च, फिर लै जाते हैं वह पाकिस्तान, उत्थे 3 पत्थर मारते हैं तलाक तलाक तलाक, चलो जी उत्थे ही फिर वह कोठे पर बिठा आते हैं, अगली बार फिर नवे विआह की तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि चार तो कर ही सकते हैं।
ये उन्हां दी रिपोर्ट है, मेरी नहीं हैगी। ते साडियां सिख बच्चियां उन्हां दा मानसिक संतुलन इन्ना गिर चुकिया है कि वह एक शराब के प्याले पिछे बहक जांदियां ने, किसी ने एक प्याला की पिलाया उहदे पिछे तुर पैंदियां ने। इन्ना कु दा मानसिक जी बहुत प्यार हो गया जी। हुण प्यार ते माता पिता नाल ते होया नहीं, जिहड़े जिहदे कोल इन्ने साल रहियां, भैण भरा नाल प्यार होया नहीं जिहदे कोल इन्ने साल रहियां, रिश्तेदारां नाल ते होया नहीं जिन्हां कोल इन्ने साल रहियां, जिहड़ा चार महीने नाल की तुर पिया हुण ओह सच्चा हो गया प्यार। सारिया प्यारां ते काटा मार दिता, झूठे सी 20-20 साल 25-25 साल दे, पर ओह चार महीने वाला ठीक है। चाहिदा सी कि प्यार शुरुआत हुंदी आई लव गुरु ग्रंथ साहिब, आई लव गुरबाणी, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई फैमिली, आई लव माई रिलीजन, इत्थों शुरुआत हुंदी। जे शुरुआत बेस ही झूठ है, नहीं प्यार, तो दूजे नाल की होएगा, फिर तो झूठ ही होएगा। हो जित्थों तक खूबसूरती की गल है, जे बाहरी खूबसूरती देखोगे, देखो ये मेरा सर्वे नहीं है, एक सर्वे किया मिस्टर टाइनबी ने, ना सुने किसी ने, बहुत वड्डा एक स्कॉलर होया फिलोसफर, उन्हें दुनिया भर के धर्मों का अध्ययन किया, 300 धर्मों के अध्ययन की उन्हें एक किताब लिखी। वो 300 धर्मों के लोगों को मिलकर उन्होंने जीवन से उन्हें लिखिया, तो उसकी किताब पता कितनी वड्डी है कोई दस सकता है कितनी वड्डी है? 14 भागों च ने किताब, वो 14 पोथियां बनाईया उन्हें वड्डिया वड्डिया, सारे धर्मों का अध्ययन किया, 300 लोगों धर्मों के लोगों की उन्हें जानकारी दी अपनी किताब के विच। ते जदों मिस्टर टाइनबी नूं किसी रिपोर्टर ने सवाल किया कि मिस्टर टाइनबी तू सारी दुनिया घूमया है, सारे धर्मों के लोगों को घूमया है, ये दस सारी दुनिया में सब तो खूबसूरत इंसान कौन है? तो मिस्टर टाइनबी ने जरा भी देर नहीं लाई, सोचा ही नहीं, अगले सैकंड उस पल फटाफट जवाब दे दिता, कहने लगा कोई शक नहीं, बेशक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का सजाया हुआ तैयार बार तैयार खालसा दुनिया का सब तो खूबसूरत इंसान है। ये मेरे विचार नहीं, वो ने हूँ इतने तो आप जगारा छड़िया, हूँ अगों देखो की छड़ना है। हूँ बीबी ने एक होर सवाल किया रिपोर्टर ने, कह लगी मिस्टर टाइनबी हुण ये भी दस दे इस दुनिया का सब तो बदसूरत इंसान कौन है? उन्हें फिर नहीं सोचिया, उस पल फटाफट जवाब दे दिता, कहन लगा कोई शक नहीं, सिखां दे घर पैदा होकर केस कतल कराने वाला दुनिया का सब तो बदसूरत इंसान है। साडा पैमाना कित्थे टिकिया होया है? केसां वाले सानूं चंगे नहीं लगते। हाँ जी तुसी भी जी आओ इधर, तुसी भी आ जाओ, अज दोनों जने आ जाओ। हाँ जी भाई साहब जी तुसी आ जाओ, तुसी भी आ जाओ, भावें आ जाओ, तुसी भी आ जाओ, तुसी भी आ जाओ भाई साहब जी, तुसी भी आ जाओ, आ जाओ। वो पिछे कह रहे भाई साहब नूं, तुसी दोनों जने आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लोड़ है थोड़ी, इधर आओ जी, खड़े हो इधर आओ जी, इत्थे खड़ो, इत्थे आओ, इत्थे आओ, हाँ जी इतने खड़ जाओ, आ जाओ तुम भी उठो, आ जाओ आ जाओ। हाँ जी फोकस कर लो तुम इन्हों, तो तुम भी लाइन च लग जाओ। हुण केड़ा अकल दा अन्ना कहिंदा है कि सिख साबत सूरत सोहणे नहीं लगते? दसो सोने नहीं लगते ये? तुसी अपने वाल भी कैमरा करो ना, ये खड़े इतने खड़े रहो, मैं करदा वा, चलो हाँ जी देख लो थोड़े सामने ने, तुसी कहने सिख सोने नहीं होंगे, सोने ने कि नहीं है? हूँ जे थोड़ा पैमाना ही गलत हैगा तो इसे मैं की कर सकता? हाँ जी बह जाओ हूँ जाके, धन्यवाद जी थोड़ा बहुत 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 धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक गल ना मैं जरूर कहूँगा भी जिहड़ा भी सिख आ
सिख के बच्चे जे किसी ने दाढ़ी रखी है केस रखे उन्हें पग ठोक के बननी आनी चाहिए आ फिर कपड़ा लीड़ा वधिया सोहना तो हर एक ना प्यार ना बोलना चाहिए तो फिर ये नहीं हो सकता भी कोई सिख बीबी जी सिख को पसंद ना करे जे असी पाठ करते हैं तो चुड़ करते उन्होंने चल गया चुड़ करते उन्होंने चल गया ये पाठ करना जोड़ा वो बह के करो अपने परिवार के हसना खेडना भी जाने के सिख दे पले आया आ तीसरी गल ये भी जे कोई सिख चंगा भला आऊगा जे वो पूरे बस्तर जिदा भी जाने के दमाला सजाऊंदा आ चोला पाया आ सब कुछ ठीक आदि कोई गुण भी होने चाहिए आ तो गुरु का सिख एडा मरिया भी नहीं होना चाहिए भी वेल दो बंदे आन तो जाने के पिछे न होते जरूरत भी होनी चाहिए गुरु के सिख दे ते बस्तर वधिया होने चाहिए कौन बुला आना वधिया चाहिए तो कोई जाने के फिर बीबी जी सिख न ना नहीं करूगी पर जदों भी अं ना दे सिख हाँ सिख जाने के जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने साझे ही उन्होंने जरूरत भी सी तो वह सोहने भी सके वो अपने जाने के कपड़ा लत्ता भी वधिया पहनते ही सफाई भी रखते सके तो हर एक का सत्कार भी करते जे ये चीज़ा हो मैनू नहीं लगता भी कोई सिख बीबी सिख न ना करूगी वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह थोड़े से कुछ होर कोई कहना चाहता भाई साहब ने बहुत वधिया विचार दते ने हाँ जी वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह हाँ जी ऐसी गल नहीं कि सिख बच्चिया सिखन नहीं पसंद कर दियाँ मेन गल ये है कि सिख बच्चिया ज़्यादातर मॉडर्न होना पसंद कर दें तो सिख ने गे जड़े वो रोकते हैं क्यों बच्चिया अपन सैरनी ढक दियाँ ज मेकअप वगैरह ज़्यादा पसंद कर दियाँ तो इस करके ये प्रॉब्लम है ज़्यादा जी वाहू खालसा वाही फतह होर की तेजे चो कुछ दसना चाहे सिख बच्चिया मॉडर्न होना चाहदियाँ ने मॉडर्न होना माड़ी गल है कि चंगी है चंगी है मॉडर्न किवें होया जा सकता कोई दस सकते हो हाँ जी मॉडर्न होना बहुत चंगी गल है माड़ी गल नहीं लेकिन बाणी दे नाल जुड़े धर्म दे नाल जुड़े रोजाना अपने जिद माँ प्यो की कदर करे रिस्पैक्ट करे आएगे की करे तो ग्रंथ साहब ना ज़्यादा जुड़े वो सब तो सोहना चेहरा जचता वह मॉडर्न होना सही है हाँ जी तुम दस सकते हो मॉडर्न होना किनू कहते हैं मॉडर्न किवें हो जा सकता है मेरा एक होर सवाल सीगा सवाल करो तुसी चलो जिद्दां पहला कहा सीगा कि जिहड़े सिख मुंडे आ जे गुरुद्वारे आना है जां फिर उदां भी सोहणे बन के रहना जरूरी आ उहनां नूं कुड़ियां वधिया कहिंदियां आ पर जे किसी नूं इकनोमिकली प्रॉब्लम होवे फिर कि मुंडे नूं कोई वधिया होवे दिल दा चंगा होवे गुणां वाला होवे पर उहनूं प्रॉब्लम होवे फिर उह आना है हाँ जी गुरसिख लड़का होवे जीवन वाला वधिया होवे पर इकनोमिकली जड़ा उहदी कंडीशन माड़ी होवे घट कमांदा होवे फिर वह चंगा कि माड़ा इहदा जवाब आ चुक्या कोई दस सकदा कोई जवाब दिओ गुरबाणी विचों सही सुंदर सोहणे साध संग जे बहणे हाँ जी इकोनॉमिकली कोई गुरबाणी की पंक्ति तुसी हुणे शुरुआत च करके गए हो ये गल मैं कहा सी घर जिहड़े ने कोठियां सोफियां नाल नहीं बनते प्यार नाल बनते ने ते वो पंक्ति आई सी रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रिया संग सूख बिहात माता पिता कहणगे भी नहीं नहीं घर गरीब है मुंडा भावें चंगा नहीं नहीं असी नहीं पर ये बच्चिया ने देखना है जिहड़ा तुहानू सारी जिंदगी सुखी रख सके वो ठीक है गुणा वाला ये ना वे कोठी ते वड्डी होवे मुंडा शराब रोज पींदा होवे नशे करदा होवे जुआ खेडदा होवे फिर गलत है गरीबी विच रहा जा सकता है जे प्यार होवे घर विच जे घर च प्यार ना होवे ते कोठियां विच भी लोग दुखी हुंदे ने जे पैसे दे नाल सुखी हुंदा ते दुनिया ते एक भी गरीब बंदा सुखी नहीं सी होना जिन्ने कोठियां च रहण वाले सारे सुखी होने सी हुंदा उल्ट है कई बार झोंपड़ी च रहण वाले खुशी च गांदे हुंदे ने ते वड्डी वड्डी कोठियां च रहण वाले रोंदे हुंदे ने मैं गलत हां कि ठीक हाँ हाँ जी हाँ जी तुसी दसोंगे मेरा सवाल पहला मैं भुल गया केड़ा सीगा हाँ मॉडर्न होना की हुंदा है जैसे आपने पहले भी एक क्लास में बताया था कि मॉडर्न होना ये मतलब नहीं है कि कपड़े फटे हुए पालो बाल कटिंग करके रखो मेकअप बहुत ज़्यादा मुंह पे लगा के चलो या बालियां पहने लड़के
मॉडर्न होने का मतलब है दुनिया के साथ चलो, टेक्नोलॉजी की तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, दुनिया समाज की नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिटिकल नॉलेज होनी चाहिए, समाज के हर सेक्टर में तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पे तुम स्टैंड करते हो और कहाँ तुम्हें आगे जाना है। इन्हां नूं पुराना सबक याद है, जकारा छड़ दिओ, एक सत श्री अकाल। देख लो पुरानी स्टडी याद है, आपां पहलां कर चुके हैं वाली गल। हाँ जी, तुसीं वी कुछ कहना चाहुंदे हो? मेरा सवाल है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग होनी चाहिए दिया। सत श्री अकाल। सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग। हाँ जी, मॉडर्न होना जेड़ा समय दे हानी होना, आधुनिक जो भी तरक्की कर रही है साइंस उहदे नाल चलना, ईमेल करनी आनी चाहिए, अपनी मैसेजिंग वगैरह करनी आनी चाहिए, हर काम बंदा आप कर सकता होवे उन्हें मॉडर्न होना कहें। ड्राइविंग आनी होनी चाहिए है जरूरी, इस गलों मॉडर्न कहें। दूसरा मैं पहला तुक जी बोली सी एक होर तुक आ कि बस्ता जैतसरी की वार में आता, बस्ता तुटी झोंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदर उद्यान पर मिन्ना, राजा सही सृष्टिका मित्र नठ धन रूप हीण के साक न सिन्ना, राजा सगली सृष्टिका हर नाम मन भिन्ना, प्रभ होए सुप्रसन्ना। वाहिगुरु खालसा वाहिगुरू फतेह। हाँ जी बाबा जी, मेरा ये मतलब नहीं सी मॉडर्न का भी बच्चिया भी मॉडर्न ना हो, मेरा मतलब यह भी ज़्यादा ब्यूटी पार्लर से जाना पसंद कर दियाँ, तो मेकअप वगैरह पसंद कर दियाँ, इस ये कहने का मतलब सी मेरा। वाहिगुरु खालसा वाहिगुरू फतेह। पर मॉडर्न के असली मीनिंग यही ने जिहड़े इन्होंने दसे ने, वह मॉडर्न होना नहीं है, वह बेशर्मी है। कपड़े घट पाने बेशर्मी है, पेंटा फाड़ के पानिया बेशर्मी है, भी सोहनिया पेंडा पाओ, सोहनिया कमीजा पाओ, पाड़ पाड़ के पाई जाने, भिखारी पाते होंगे ने, उन्होंने बेचारों को है नहीं, मजबूरी उन्होंने। तो जी वधिया पेंट हुंदी है वो तो मिलती है 50 euro की, जी फटी हुंदी है वह मिलती है 100 euro की, तो तुम आप ही जाके पाड़ लिया करो, फिर कहनू पैसे खर्चते हो। ये मॉडर्न होना नहीं, कपड़े घट पैने, जिवें जिवें मनुख का मन नंगा हुंदा चला जा रहा है, वह इफेक्ट तन ते पै रहा है, मन का नंगेज तन ते प्रगट हो रहा है। यदा नाम मॉडर्न होना नहीं, बशर्मी होना है। मॉडर्न होना जिवें भैन जी ने दसिया, इन्होंने दसिया, उन्होंने दसिया, वह बिल्कुल ठीक है मॉडर्न होना, कि समय दे हाणी बनो, तुहानू इलाके की लैंग्वेज आनी चाहिए है, तुहानू इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश आनी चाहिए है, तुहानू ड्राइविंग आनी चाहिए है, तुहानू कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए है, तुसी ईमेल कर सको जां रीड कर सको जां मोबाइल, तुसी मोबाइल दे हर एक फंक्शन बारे हर ऑप्शन दा तुहानू पता होवे। इहदे तों इलावा तुहानू समय दे नाल बराबर चलना आंदा होवे कि ड्राइविंग किवें करनी ते निरी ड्राइविंग किवें करनी, नहीं ड्राइविंग नाल संबंधित हर चीज़, सड़क ते तुरना है, किसी दूजे घर जाना है, किवें बिहेव करने ने, समय दे नाल मिल के चलना, ये मॉडर्न होना है। ठीक है जी, कोई होर कुछ कहना चाहता इस बारे च? हाँ जी, इधर नेड़े आ जाओ। जिवें कि साडा धर्म एक नवा धर्म आ, तो बहुत सरल धर्म सीगा, सौखा धर्म सीगा, पर मैं कहना भी जिहड़ियां साडियां बच्चियां आ उन्हां दा सिखां नूं, सिखां दे बच्चे जिहड़े सिख नौजवानां नूं ना पसंद करन दा कारण एक पाया गया है, उहदा कारण आ कि साडा जिहड़ा धर्म आ ये अज बहुत ज़्यादा गुंझलां वाला ते एक बंदिशां वाला बना दिता गया वा। जिवें अज सारा कुछ दस्या गया, अज तों हुण अखीर ते किहा वा कि मॉडर्न इस तरह होना वा, साडियां स्टेजां तों ही अज जिहड़ियां इह गल्लां वा उह बिल्कुल उल्ट ते बंदिशां वालियां दसियां जांदियां, साइंस नूं धर्म दे वैरी कहा जांदा आ। ते मेरे हिसाब नाल भी जिहड़ियां साडे धर्म दे विच आ जो गुंझलां पाईआं गईआं वा, जो समस्या पाईआं गईआं वा, धर्म ये सरल सीगा जिवें कि बाद विच हुण सारिआं ने कहा वा, पर इहनूं ज़्यादा गुंझलदार कर दिता गया वा। तो वह बच्चियां सोचदियां वा भी जे शायद असीं सिख लड़के नाल विआह करा लिया तो असीं आह भी नहीं कर सकदियां, असीं आह भी नहीं कर सकदियां, असीं उत्थे भी नहीं जा सकदियां, असीं उत्थे भी नहीं जा सकदियां, ज़्यादा बंदिशां दा करके मेरा ख्याल आ। तो दूसरी
जड़ी है सिख दी अपने आप नू सुंदरता जे अंदरली सुंदरता वा गुरबाणी नाल ते बाहरली भी जिवें सुंदरता हैगी आ उह साफ सुथरा ते हुण दाढ़ी बनण दे भी भावें साडे पाबंदियां मैं समझदा वा इह भी साडी नहीं पाबंदियां इहो जिहियां होणियां चाहीदियां साडा धर्म जिहड़ा वा सरल आ उह जिहड़ा मतलब बाहरों भी जिहड़ी देखे आ उह बंदे दी नौजवान दी इक बहुत सोहणी होणी चाहीदी आ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी बहुत वधिया विचार ने भाई साहब जी दे कोई होर कुछ कहना चाहता ये बारे च असी बहुत छोटी छोटी गल्लां विच उलझ के रह गए आ करना आ नहीं करना आ करना नहीं करना पहली गल तो यह है साडा धर्म बहुत सिंपल ते सादा सी जिन्हों बहुत कॉम्प्लीकेटिड बहुत गुंझलदार बना दिता गया साडे धर्म दे विच तीन ही सिद्धांत ने वो किहड़े ने किरत करो वंड छको नाम जपो भाव दसा नवां दी नेक कमाई करो सुकृत करो वंड छको दा मतलब गरीब लोड़वंद दी मदद करो ते नाम जपो मैंने जिंदगी विच रहिंदिया रब दा शुकराने विच रहो दो चीज़ां सानू धर्मी बना दिंदियां ने सब तो बड़ा धर्म की है सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म रब्बी याद विच जुड़ना ते चंगे कर्म करने एदों वड्डा धर्म कोई नहीं है इस करके मैं ये बेनती करांगा जदों भी जीवन साथी की चोण करनी है उहदा रूप रंग ना देखो देखो मैं नहीं कहिंदा ना देखो रूप रंग देखो पर अंदरला जरूर देखो ये ना देखो भी कोठी वड्डी कार वड्डी है ये देखो भी सचमुच उहदी दसां नवां दी कमाई है कमाई असीं देखदे हां हाँ जी तनखाह किन्नी जी तनखाह इन्नी उपरों की आंदा है हुंदा है ना किसी फौजी ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁੰਡੇ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਬੰਬ ਹੀ ਆਉਣੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਛ ਆਵੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਹੱਕ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਅਤੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਿੰਨ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਭੁੱਖਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਣਾ ਪਵੇ ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੀੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੂਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ ਸਖੀ ਪ੍ਰਿਯ ਸੰਘ ਸੁਖ ਵਿਹਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਖੋ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਲੜਕੇ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਣ ਵੈੱਲ ਬਿਹੇਵਡ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਟੀਕੇਟਸ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਫਟਨੈਸ ਹੋਵੇ ਸੋਫਟ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣ ਮਾਡਰਨ ਉਹ ਹੋਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਸੁਖਮਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬੜੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖੋ ਰੋਵੋ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਲਾਦੇ ਭਾਰ ਖਲੋਵੋ ਤਪ ਕਰੋ ਕਸ਼ਟ ਕਰੋ ਇਹ ਕਰੋ ਵੋ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੌਖਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜੇ ਲੜਕਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜੇ ਵੀਕ ਆ ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਇਹ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 100% ਸ਼ਿਓਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੋੜ ਆ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਿਵਾਲਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੁੱਟੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੰਗੀ ਜੋਬ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜੋਬ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਘਰ ਆਉਣਗੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ
पूरियां होणगियां क्योंकि माया गुजरान है, माया तो बिना भी नहीं सरदा, पर सारा कुछ ही माया नहीं है। ठीक है जी, हुण साडा चैप्टर अज शुरू हो गया। मैं सिर्फ बेस बनाना चाहता सी तुहाडा विआह दे नाल संबंधित। कल साडा चैप्टर होएगा मानो विआह हो गया, विआह हो गया, विआह तो बाद पति च किहड़े चार गुण होने चाहिए ने कि उहदा परिवार सुखमई हो जाए। पति दे विच किहड़े गुण तुसीं चाहुंदे हो, आपो अपने पति लैके आयो। मैं तुहानूं पुछांगा भी तुहाडे तुसीं की चाहुंदे हो भी साडे पति च आ गुण होना चाहिए, ताकि वह सुणन, फिर वह रिलाइज़ करन कि सचमुच ये गुण मेरे विच नहीं है, तां ही घर विच लड़ाई झगड़े कलेश ने, फिर वह रिलाइज़ करके वह गुण पैदा करन दी कोशिश करन। ठीक है जी, कल गल करांगे पतियां दी। पति च चार गुण होण उह दुनिया दा सब तो श्रेष्ठ पति हो जांदा है। परसों गल करांगे पत्नी च किहड़े चार गुण होण, क्योंकि पत्नी च चार गुण होण उह दुनिया दी श्रेष्ठ पत्नी हो जांदी है। फिर पति जिहड़े उह पत्नियां नूं नाल खिच के लैके आए हो, फिर दस्सियो भी तुसीं किहड़े गुण इहनां चों चाहुंदे हो, भी इहनां चार गुण होण असीं सुखी होवांगे। ठीक है जी, कल पति, परसों पत्नी, चौथे फिर आनंद कारज दीयां चार लावां, फिर कल असीं समाजिक गल करांगे, परसों भी समाजिक ही करांगे, धर्म नहीं छड़ना असीं। पर जो चौथे आनंद कारज की गल करांगे, आनंद कारज दीयां चार लावां विच चार गुण आ जांदे ने, वो चार गुण पति पत्नी दोनों नूं ही सुखमई बना देंदे ने, सुखमई। ठीक है जी, हाँ जी, कुछ कहना चाहते जी? मेरा क्वेश्चन है कि मैंने देखा है कि कुछ लड़कियां खुद लड़कों को बोलती हैं जो सिख होते हैं कि अगर तुम हेयर कटिंग करवा लोगे या क्लीन शेव हो जाओगे या ट्रिमिंग करोगे, क्लीन लगोगे, तो हम तुमसे शादी कर लेंगे या वगैरह वगैरह। इवन वो लड़के कर भी लेते हैं, मुझे नहीं समझ आता क्यों कर लेते हो। लड़की ज़्यादा प्यारी है कि अपना धर्म ज़्यादा प्यारा है या अपने माँ बाप की दी हुई सिखी? हाँ जी, दियो जवाब जी। तुसी हुण ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਲੜਕੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਸੁਪਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋਛਾ ਸੁਪਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਸਨਾ ਅਧੀਨ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੇਗ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੁਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਪਨ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੰਦੇ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂਗੀ, ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੇਖੂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕੂਗੀ ਤੂੰ ਵਾਲ ਕਟਾ, ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਫਾਲਟ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਚੁਆਇਸ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੜਕਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਪੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਪਸ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਭਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੁਭਾਵਕ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀ ਪਿਛੋਰੀ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭਣੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ,
मैं तो कई बार कहना हुंना कि सिख धर्म का जां इन्हां यूरोपियन देशों दे विच एक मैट्रीमोनियल चलना चाहिए है जिदे विच बगैर जात पात तो लड़के लड़कियां दे रिश्ते विच दर्ज किए जाण और उस तो बाद उत्थों ही असी कॉन्टैक्ट करके रिश्ते कर सकीए। सिखां दा अपना एक मैट्रीमोनियल होना चाहिए जिदे विच लड़के दा नाम उहदे तो इलावा उहदी डेट ऑफ बर्थ उहदी हाइट उहदा कलर इत्थों तक सही सही उहदी एजुकेशन ये चीज़ां उहदे विच दर्ज होनियां चाहीदियां ने। उहदे विच जात पात दा कॉलम नहीं होना चाहिए ताकि जिहड़े चाहुंदे ने ना ही संस्था दा जिक्र होना चाहिए क्योंकि संस्थावां ने भी बड़े पाड़े पाए ने ते फलानी संप्रदाय फलानी संस्था वो आपस च मैच ही नहीं करते विचार। निरोल जिहड़े सिख जिहड़े संस्थावां ते जात पातां तो उच्चे उठे हुए ने वह उत्थों अपने लड़के लड़कियां दे रिश्ते देख लैणा। यूरोपियन कंट्रीज़ दे विच सिखां दा अपना एक मैट्रीमोनियल होना चाहिए बल्कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन इको ही मैट्रीमोनियल होना चाहिए ताकि सानू रिश्तियां दी कमी ना आवे। बहुत काम करन वाले पए ने सिख कौम दे जिहड़े असीं कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि यह चाहिए कि नहीं चाहिए है। जात पात तो बिना इधर आ जाओ नेड़े जात पात तो बिना तो बरादरी तो बिना। भाई साहब जी ने कहा भी सिख कौम का बहुत काम होने वाला। भाई साहब जी इस गल्लां नूं देखदे आ आपां एक एसोसीएशन बनाई आ एसोसीएशन लोक भलाई एंड धार्मिक ज्ञान इटली उस दे विच कॉलम रख्या पॉइंट रख्या जिहड़ा आनंद कारज बारे भई सादे आनंद कारज होने चाहिए आ। उहदे विच असीं एक परफॉर्मा बनाया आ जिस दे विच कोई भी वीर भैण अपना आनंद कारज करन लई एप्लीकेशन भर के दे सकदा आ पर उस दे विच असीं जात पात नूं शो कीता आ। उस दा एक कारण सी क्योंकि उह वी विचारां कीतियां सी भी जदों एक बरादरी दूजी बरादरी तो बाहर एक जात दूजी जात तो बाहर करती है उस दे विच प्रॉब्लम आती है वह फिर बाद दे विच जदों मैरिज हो जाती है क्योंकि वह जिस स्थिति दे विच बच्ची जां बच्चा पलिया हुंदा है दूजे पासे वह उस उत्थे मैचिंग नहीं करती उहदे नाल फिर उत्थे प्रॉब्लम आती है। पर वह जो साडा कॉलम बनाया होया है वह असीं वर्ल्ड लैवल ते उहनूं लैके जावांगे। ये जो तुसीं कहा सी वी सिख कौम दे बहुत काम होण वाले आ असीं कोशिश कर रहे हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह जी। ये गल भाई साहब दी बिल्कुल ठीक है कि जिस बरादरी च लड़की या लड़का पलिया बढ़िया होवे उस बरादरी दे रूल्स वो जानते हैं पर मैं एक मैट्रीमोनियल बरादरी मनण वाले वास्ते नहीं किया है जिहड़े निरोल सिखी नूं जिहड़े जात पात नूं नहीं मनदे। मैं उन्हां वास्ते कह रहा जिहड़े किसी संपर्दा संस्था दे नाल नहीं जुड़े जिहड़े डायरैक्ट गुरु ग्रंथ साहिब नाल जुड़े ने ताकि उन्हां बच्चियां बच्चियां नूं कल नूं प्रॉब्लम ना आवे। जिहड़े जात बरादरी नाल जुड़े ने उह मुबारक करन अपनी अपनी बरादरी च कोई गल नहीं पर सिखी जात बरादरी नहीं है। सा जात सा पत है जे वेहे करम कमाए। सिखी विच जाणो जोत ना पुछो जाति ते जिहड़े सिख रहत मर्यादा नूं मनदे होणगे असीं सिख हाँ उहदे च लिखिया होया बिना जात गोत विचारे रिश्ता करना चाहिए। मैं सिर्फ सिखां दी गल कर रहा बरादरी वालियां दी मैं गल नहीं कर रहा। जिन्हां ने बरादरी च विआह करने ने बरादरी दे कॉलम देखी जाण पर एक ऐसा मैट्रीमोनियल होना चाहिए जिहड़े सिख परिवार जात पात तों उच्चे उठ चुके ने जथेबंदियां दे भेद तों उपर उठ के डायरैक्ट गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल सीधे जुड़े हुए ने अकाल तख्त साहिब दी मर्यादा नूं मनदे ने उन्हां वास्ते एक मैट्रीमोनियल होना चाहिए ताकि उन्हां नूं आसानी दे नाल बच्चे बच्चियां दे रिश्ते ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाण। ठीक है जी। हाँ जी इधर आ जाओ नेड़े टाइम बहुत हो गया अपना तो हाँ जिदा ही तुसी कहंदे जी अपने एक कोई जगह होनी चाहिए जिथे बच्चे का ना जा उहदी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए पर जेडे ओह आगू ही चलाने वाले विक जाण फिर साडे कोले उहदा कोई हल हैगा जिदा असी कहने अज हरिमंदर साहब ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ उस मर्यादा नूं सिद्धांत नूं कल नूं सरबत खालसा जां पंथक समूह इकट्ठ बदले तो बदले
बंदे गलत हो सकते ने, कोई संस्था अकाल तख्त साहिब वह गलत नहीं है। मर्यादा जिहड़ी पूरे सिख पंथ ने मिल बैठ के 14 साल ला के बनाई सी 1936 लागू की थी, वो गलत नहीं है। बंदे गलत ने इहदा मतलब ही नहीं सी सिलेबस के उत्तर काटा मार दईए वी पढ़ाने वाले गलत ने। हाँ जे चलाने वाले गलत भाई साहब की गल ठीक है, जे चलाने वाले गलत होण फिर गलत हैगा। पर हाँ जी चलाने वाले गलत हो सकते ने, पर मैं हमेशा इकाई की गल की है। साढ़े लीडर ने साडा कुछ नहीं सवारना, 90% साढ़े लीडर करप्ट ने, 10% ठीक ने। साडा लीडर एक ही है, कौन है? धन गुरु ग्रंथ साहब आग्या भई तवे चलायो सब सिखन को गुरु मान्यो, बाणी गुरु विच बाणी गुर बाणी कहे प्रतख गुरु आया साडा आगू, ये जुड़ जाओ। ठीक है जी, हो बेअंत भुला खिमा करनी आ। अगले 3 दिन जरूर हाजिर होयो क्योंकि ये टॉपिक जिहड़े होर डूंगे होंदे चले जाणगे, तुहाडे होर विचारां दी लोड़ है। जिन्हां दे घरां च तलाक दी नौबत आ रही है उहदे लई भी कुछ सलूशन दिते जाणगे जो कि आप जी जे अप्लाई करोगे तो जरूर फर्क पएगा। इस करके पति पत्नी दोनों का कट्ठियां आना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।